आप देख सकते हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पत्रकार सिद्धार्थ राणा आज पहुंच गया हूं शामली जिले में। और जैसा आप देख सकते हैं कि आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है और आज जिला अध्यक्ष पद के चुनाव पर शुरू से ही बीजेपी में लगातार मंथन जारी है और 10-9 का आंकड़ा, 10 सीट बीजेपी ने जीती है और 9 विपक्ष ने जीती है। लगातार बैठकों का दौर जारी था और विपक्ष जहां पर आरोप भी लगा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं और विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं। हम आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि ये लगातार आतिशबाजी चल रही है और लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लगातार आप देख सकते हो कि बीजेपी अपना जश्न मना रही है, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर ने बाजी मारी। यह पूरा नजारा देख सकते हो। बीजेपी प्रत्याशी मधु गुर्जर को सम्मान किया जा रहा है। शामली के राजबाड़ा पैलेस में भारत माता की जय, भारत जनता पार्टी, भारत माता की जय, भारत जनता पार्टी।
जा रहा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसा देख रहे हो कि आप विपक्ष इसे गठबंधन की राजनीति को आपस में जोड़ तोड़ को आरोप प्रत्यय लगाकर साठ गांठ कर कहीं ना आरोप लगा रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, लेकिन जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और बीजेपी समर्थकों का जो जमावाड़ा है, बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका जमावाड़ा सुबह से लग रहा है और यहाँ पर लगातार आप देख रहे हो कि मिठाई वितरित की जा रही है और लगातार यहाँ पर बीजेपी की जो समर्थित उम्मीदवार है मधु, वो चुनाव जीत गई है। 19 जिला पंचायत सदस्य थे जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष मधु को चुन लिया गया है और मधु एक महिला है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शामली के जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो मधु को चुन लिया गया है। रिपोर्टर सिद्धार्थ राणा के साथ संसार क्रांति न्यूज। Thank you.